क्या हुआ क्या है मतलब सब चला गया तो पकड़ाया एक आदमी पकड़ाया है एक आदमी पकड़ा गया बाइक से गिर गया है हाँ। उसको पुलिस पकड़ के ले गई है हाँ। उसके पास से कुछ माल भी बरामद हुआ है हाँ। अब जो भी माल बरामद हुआ बाकी माल और बाकी सामान लेकर के वो लोग भाग गए। एक बार खाली आप बोल दीजिए एबीपी न्यूज़ वाला बोला है कि भैया हमको भेज दीजिए। देखिए लेकिन हमको मना किए स्टेटमेंट और किसी को नहीं देना है देंगे तो विनोद क्योंकि ये जाएगा एबीपी न्यूज़ में भी ठीक है लेकिन विनोद जी से ही अच्छा मना किए स्टेटमेंट कोई आदमी नहीं देगा। अरे विकी ये ध्यान रखिए एक आदमी पकड़ाया है और पाँच आदमी भाग गए हैं और सबके थाने में है और अभी एसएसपी साहब आए थे आकर के चले गए हैं अभी भीड़ की उसी तरह से बनी हुई है भीड़ की मात्रा वैसे ही बनी हुई है। अब आगे चल करके जब तक अपराधी नहीं पकड़ाएंगे दुकान नहीं खुलेगा जब तक अपराधी नहीं पकड़ाएंगे तब तक दुकान नहीं खुलेगा जैसा यहाँ के लोगों का कहना है। ये है एस एस डोनर्स प्रथम मंजिला पे है मिलन कॉम्प्लेक्स में और एस एस डोनर्स में पांच छह आदमी के आसपास लगभग आए थे इसमें से एक आदमी पकड़ा गया है और आगे देखिए क्या होता है। माल को अच्छा खासा ले गया है इसमें कोई दो राय नहीं है जैसा कि लोग कह रहे हैं। बताइए क्या घटना है चार आदमी आते हैं सब सामान है सब करके कितने बजे घटना हुई दो बजे तीन बजे। अरे कौन है भाई ऐसे कहिए एबीपी न्यूज के हैं जो कोई भी न्यूज के हैं ऐसे बनाया जाता है कुछ का तरीका है ना आप मीडिया वाला है तो क्या हुआ आप ही कर रहे हैं गलत तरीके से बना रहा है ना आपको बना रहे उधर से बनाएंगे ठीक है अब बात कीजिए इज्जत कीजिए फिर से बताइए यहाँ एस एस ज्वेलर्स है फर्स्ट फ्लोर पर दो बजे दिन में चार आदमी आते हैं सारा चीज क्या चीज़ था उनके सोने का कितना का लगभग हुआ होगा तो वो बताएंगे हमें तो आंकड़ा बताया नहीं कितना है इस तरह दिन दहाड़े बाजार क्या कहना चाहिएगा प्रशासन को प्रशासन को रिकवर करना चाहिए नहीं तो अनिश्चितकालीन की दुकान बंद है पूरा बाजार बंद रहेगा दुकानदार का नाम क्या संजीव कुमार संजीव कुमार इंडिया आप अपना पद संजीव कुमार क्या नाम हुआ एक आदमी गिरफ्तार मतलब पैदल ही थे वो लोग मोटरसाइकिल से कितने थे चार दो मोटरसाइकिल चार कहाँ जावा तू ये है बाकरगंज की स्थिति एबीपी न्यूज़ ध्यान दीजिए हमारी बात को ये दुकान है एस एस ज्वेलर्स इसी में डकैती हुई है सामने ये एस एस ज्वेलर्स है मिलन ज्वेलर्स के ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे यही दुकान है इसी में हुआ है एक आदमी सुनते हैं कि पकड़ा गया है मोटरसाइकिल चलाते हुए गिर गया है गिरने के बाद जो है उसकी पिस्तौल भी छीना गई थी और पुलिस आकर के पकड़ ले गई है ये पूरा बाकरगंज स्थिति बंद है और उम्मीद है कि ये कितना दिन तक बंद रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है जैसा कि कहना है दुकानदारों का कि दुकान तभी खुलेगी जब तक माल रिकवरी नहीं होगा और सब डकैत तो भाग गए थे बस यही एक बचा हुआ था जो कि पकड़ा गया है और आप लोगों के समक्ष मैं ये दिखला देना चाहता हूँ कि ये भीड़ जो लगी हुई है उसी के मामले सभी दुकानें बंद हुई है और कोई दुकानें खुली नहीं है तब तक नहीं खुली रहेगी जब तक माल नहीं पकड़ाएगा। हाँ अब हम आपको बतला रहे हैं मिस्टर विक्की हमारे बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा एबीपी न्यूज़ में दे दीजिएगा और अगर आपका आदमी आ जाता है तो इसको जो है आप कोशिश करके
बुला दीजिएगा, रिपोर्ट वहाँ से ले लेंगे। क्या चीज था उनके पास? सोने का। कितना का लगभग हुआ होगा? तो वो बताएंगे, हम तो आता बताए नहीं कितना है, इस तरह दिन दहाड़े बाजार। क्या कहना चाहिएगा प्रशासन को? प्रशासन को रिकवर करना चाहिए, नहीं तो अनिश्चितकालीन की दुकान बंद है, पूरा बाजार बंद रहेगा। दुकानदार का नाम क्या? संजीव कुमार, संजीव कुमार इंडिया। आप अपना परिचय? आप पार्टी साहब संजीव कुमार। क्या नाम हुआ? अजय। एक आदमी गिरफ्तार है, मतलब पैदल ही थे वो लोग? नहीं, मोटरसाइकिल से। कितने थे? चार। दो मोटरसाइकिल, दो मोटरसाइकिल, चार आदमी। चलिए ना अंदर। हाँ हेलो, बोलिए। हमारे संस्था के उपाध्यक्ष अजय जी से थोड़ा देर के लिए बात कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। अजय जी, एक आदमी पकड़ाया है क्या? हाँ, एक आदमी गांधी मैदान थाना पकड़ा। एक आदमी गांधी मैदान थाना में है, मोटरसाइकिल चलाते हुए वो गिर गया है, उसका पिस्टल भी फेंका गया था। वो आदमी जो है अभी गांधी मैदान थाना में कस्टडी में है। ये हमारे अजय कुमार उपाध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं।